फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरोपियन क्रिकेट लीग टी10 मैच के बारे में। अगर ये मैच की बात करें, अल्बी जलमी सीएफ वर्सेस ऑस्टिन एक्साइल्स के बीच में खेला जाएंगे। तो दोस्तों, यूरोपियन क्रिकेट टी10 लीग का ये मैच जो है ग्रुप डी का सेकंड मैच है बैट टू बॉल यूरोपियन क्रिकेट लीग का, और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 3:30 बजे शाम को खेला जाएंगे। और स्टेडियम एंड वेन्यू की बात करें दोस्तों, काटामा ओवल काटामा स्पेन में खेला जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपको मैं देने वाला हूँ पिच रिपोर्ट, दोनों टीम की फॉर्म है, उसके बाद दोनों टीम की बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट को कौन संभालेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन, टॉप पिक दोनों टीम की ओर से, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस भी बताऊंगा, ग्रैंड लीग के लिए आपको कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है ये भी बताने वाला। इसके साथ साथ दोस्तों, यहां पर आपको मैं लाइव टीम बना के दिखाऊंगा कौन सा विकेट कीपर बेहतर है, बॉलर, सब कुछ लाइव टीम बनाऊंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको एक और चीज मिलने वाला है, दोनों टीम की जो प्लेयर्स की स्टैट्स है दोस्तों, उसके बाद दोनों टीम की आपको प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टैट्स दोनों मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानना है तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक और काम करना दोस्तों, आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अगर बाय मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके @शत्रुघ्न225 चेक कीजिएगा। चेक करते ही दोस्तों आपको मेरे चैनल शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 1314 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एक और प्रोसेस है, क्रिकेट विद एससी भी सर्च करेंगे दोस्तों तो मेरा चैनल शो हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। जो फाइनल टीम सब कुछ होगा दोस्तों, आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पिच देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पिच है काटामा ओवल में खेला जाएंगे। अगर पिच की बात करें, बैलेंसड है दोस्तों। यहाँ पर वेदर की बात करें, ब्रोकन क्लाउड्स रहने वाला है। एवरेज परसेंटेज को यहाँ पर 80-100 रन के बीच में बनने वाला है। और टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, 11.19 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों, ये पिच रिपोर्ट हो गया, लेकिन आपको पहले प्लेयर्स की स्टार्ट्स और प्लेइंग 11 एक बार जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग बात करते हैं अल्बी जलमी की प्लेयर्स की स्टार्ट। तो एक बार देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्लेयर है अजम कलील है। अगर इनकी बात दोस्तों, तो यहाँ पर 19 मैच में 344 रन बनाए और 21 विकेट लिए हैं दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक और प्लेयर है फातिश चौधरी की बात करें, 13 मैच में 7 रन बनाए और 5 विकेट लिए। तो दोनों प्लेयर की स्टार्ट आपको मैंने दे दिया। उसके बाद जो थर्ड प्लेयर है दोस्तों, इस्मिल जिया की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 19 मैच में 88 रन और 0 विकेट है। उसके बाद लेमर मोमंत की स्टार्ट आप देख सकते हो, 11 मैच में 3 रन और 7 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर कदरदुल्ला अफजल की बात करें तो 19 मैच में 143 रन और यहाँ पर 11 विकेट लिए। और राहिल खान की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 15 मैच में 237 रन और 23 विकेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन के बाद देख सकते हो, राहिल खान तक स्टैट्स आपको मैंने शेयर किया। उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों, यहां पर बाकी जो भी प्लेयर्स है उनका भी स्टैट्स मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर समी कलील है। अगर इनकी बात करें, 23 मैच में 64 रन और 7 विकेट हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर शहीद अली की, 10 मैच में 61 रन 2 विकेट है। ताज हुसैन की बात करें दोस्तों, 11 मैच में 42 रन 2 विकेट है। थाज कुरेशी ने यहाँ पर 14 मैच में 100 रन बनाए और 13 विकेट लिए। जिया खान की बात करें, 16 मैच में 161 रन और 16 विकेट है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक टीम की जो प्लेयर्स की स्टैट्स मिल गए, लेकिन यहाँ पर एक बार प्लेइंग 11 को भी एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात करें, इसी तरह रहने वाला है। यहाँ पर अजम कलील, फासिद चौधरी, इस्माइल जिया, लेमर कदरतुल्ला अफजल, राहिल खान, समी कलील, शाहिद अली, ताज हुसैन और ताज कुरेशी और यहाँ पर जिया खान रहने वाला है यहाँ पर प्लेइंग 11 पे। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑस्टिन एक्साइल्स की। तो ऑस्टिन एक्साइल्स की बात करें तो यहाँ पर सारा प्लेयर्स की स्टार्ट आपको मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग दो प्लेयर्स है दोस्तों, इनकी स्टार्ट नॉट अवेलेबल है ओवरऑल शॉट, लेकिन ये प्लेइंग 11 में रहने की चांसेस है दोस्तों। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं, अब इन दोनों को अवॉइड कर सकते हो और उसके बाद आपको टॉप 11 प्लेयर्स तो यहाँ पर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ईशानुल्ला बाबर की बात करें, 3 मैच में 6 रन कोई विकेट है तो खास स्टैट्स नहीं है दोस्तों। यहां पर फैजल महमूद की बात करें, 7 मैच में 125 रन 3 विकेट लिए। मोहम्मद सुलेमान की बात करें, 3 मैच में 38 रन 0 विकेट है। उमर दीवान अली की बात करें दोस्तों, इनकी स्टैट्स नॉट अवेलेबल है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर कुछ और प्लेयर्स है, सोहेल चौधरी। अब देख सकते हैं यहां पर सोहेल चौधरी की बात करें दोस्तों, यहां पर 5 मैच में 27 रन 5 विकेट है। सोहेल हसन की बात करें, 3 मैच में 12 रन 1 विकेट है। सुल्तान दीवान अली, 5 मैच में 12 रन कोई विकेट नहीं। राजा बकस अली ने 9 मैच में 27 रन 12 विकेट है। जोएल हुसैन की बात करें, 3 मैच में 10 रन कोई विकेट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑस्टिन एक्साइल्स की। ऑस्टिन एक्साइल्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पर अभी बताता हूँ।
यहाँ पर ओस्टेन एक्सेल्स की बात करें, यहाँ पर आपको आदिल दीवान अली आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे, अमीन शाह है, ईशानुल्ला बाबर है दोस्तों, यहाँ पर फैसल मोहम्मद, मोहम्मद सुलेमान, ओमन दीवान अली, सोहेल चौधरी, सोहेल हुसैन, सुल्तान दीवान अली, राजा वकेश अली और जोहेब हुसैन। तो दोस्तों इसी तरह आपको यहाँ पर प्लेइंग 11 रहने वाले ओस्टर्न एक्सेल्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों टीम के प्लेयर्स के स्टैट्स के साथ साथ प्लेइंग 11 भी मैंने शेयर किया। अब आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर पिच रिपोर्ट तो बता चुका हूँ, टीम फॉर्म की बात करें तो ये जो मैच है दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम आज पहला मैच खेलने वाले। तो यहाँ पर अलबी जलबी की बात करें यहाँ पर 42% जीतने के चांसेस है, ओस्टर्न एक्सेल्स के यहाँ पर 58% है। तो लेकिन यहाँ पर दोनों टीम की रिसेंट फॉर्म की बात करें, यहाँ पर अलबी जलमी की बात करें लास्ट 5 मैच में एक ही मैच आ रहा है, और वही एक्स की बात करें आज पहला मैच खेलेगा दोस्तों इनकी जो नया टीम है। तो दोस्तों यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अलबी जलमी क्रिकेट क्लब की बात करें, यहाँ पर आपको अजम खलील एंड फासी तारिक चौधरी आपको ओपनिंग करेंगे। इस्माइल जिया की बात करें इस टीम का वन डाउन प्लेयर, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेमार मोहम्मद एंड कदरतुल्ला मीर अफजल की बात करें मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। राहुल खान आपको इस टीम का कप्तान के साथ एक अच्छे ऑलराउंडर है दोस्तों। इस्माइल जिया आपको यहाँ विकेट कीपिंग करेंगे, खदरतुल्ला मीर अफजल एंड लेमार मोहम्मद आपको फेस अटैकिंग को संभालेंगे। तो दोस्तों एक टीम का आपको यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर सब कुछ पता चल गया। अब बात करते हैं दोस्तों ऑस्टर्न एक्सेल्स की, तो यहाँ पर आदिल दीवान अली, अमीन गुल, मलिक जैसा आपको ओपनिंग करेंगे, सुल्तान दीवान अली आपको विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे, ईशानुल्ला बाबर आपको वन डाउन पर बैटिंग करेंगे, और इस टीम का मेन प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर फैजल मोहम्मद एंड सुलेमान मोहम्मद की बात करें आपको मिडिल ऑर्डर संभालेंगे, अमीन गुल मलिक जैसा एंड सोहेल हुसैन आपको यहाँ पर फेस अटैकिंग को संभालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम के आपको कॉम्बिनेशन पता चल गया। तो दोस्तों एक बार बात करते हैं यहाँ पर टॉप पिक्स दोनों टीम के की प्लेयर, तो यहाँ पर अलबी जलमी की बात करें यहाँ पर अजिम कलील ऑलराउंडर है, एफटी चौधरी है दोस्तों, यहाँ पर राहुल खान और एस कलील, और यहाँ पर जिया अलोजे, तो ये जो 5 प्लेयर है दोस्तों इस टीम का मेन प्लेयर है। तो यहाँ पर कुछ एक मैच के स्कोर कार्ड है दोस्तों, 36 रन नॉट आउट, 1 विकेट नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर वही ओएक्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये जो 5 प्लेयर है, सॉरी दोस्तों ये जो 4 प्लेयर है दोस्तों इनको जरूर लेना। अली आदिल दीवान अली की बात करें बैट्समैन है दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और ई बाबर ऑलराउंडर है, फैजल मोहम्मद यहाँ पर आपको बैट्समैन है, और कलीम चौधरी यहाँ पर ऑलराउंडर रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी आपको बेस्ट चॉइस देने वाला है, यहाँ पर अजम कलील, एफ टी चौधरी, राहुल खान, जिया अलोजी, ई बाबर और यहाँ पर फैजल मोहम्मद, ये जो 6 प्लेयर्स है दोस्तों इनको आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पे पिक करना है। और वही दोस्तों आप बात करते हैं ग्रैंड लीग के लिए, तो ग्रैंड लीग के लिए बात करें आपको एस हुसैन, आर खान और ए खलील, ये जो तीनों प्लेयर है दोस्तों आप चाहे स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, मिनी ग्रैंड लीग, जो भी लीग आप खेलोगे दोस्तों ये जो 3 प्लेयर इनको जरूर टीम में रखना। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों टीम की ओर से मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को बता दिया यहाँ पर, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है दोस्तों इनको जरूर टीम में रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गया अभी तक इंफॉर्मेशन, सारा इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन काफी है एक अच्छी टीम बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं लाइव टीम बना के आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर विकेट कीपर पे दीवान अली को मैं पिक करूंगा, और यहां पर मोहम्मद नवाज, एफ मोहम्मद और यहां पर टी हुसैन, मैं 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूं दोस्तों यहां पर। उसके बाद यहां पर 3 ऑलराउंडर स्टार्टिंग में, 3 ऑलराउंडर है दोस्तों इनको आप जरूर पिक कीजिएगा। उसके साथ साथ आपको यहां पर गेंदबाजी में बात करें दोस्तों, यहां पर टी हुसैन है, मीर अफजल है, एस हुसैन और तारिक चौधरी है दोस्तों, क्योंकि आपको इसी प्लेयर पे जाना है। अगर ये पिच की बात करें तो बैलेंस्ड टीम है, तो यहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो ये T10 मैचेस है दोस्तों, यहाँ पर मैं 3 ऑलराउंडर 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये टीम परफेक्ट है दोस्तों यहाँ पर। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर आपको बेस्ट कैप्टन भी आपको मैं देने वाला हूँ, तो यहाँ पर कैप्टन पर टी हुसैन एक अच्छा ऑप्शन, लेकिन आर खान को लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एफ मोहम्मद को आप यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर टीम देखिएगा, यहाँ पर विकेट कीपर पर दीवान अली है, और बैट्समैन पे दोस्तों टी हुसैन, मोहम्मद नवाज, एफ मोहम्मद है, और यहाँ पर ऑलराउंडर में आर खान, एक ई बाबर है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में देखा जाए तो एस हुसैन, टी हुसैन है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दोनों प्लेयर को आप देख सकते हैं दोस्तों, तारिक चौधरी और यहाँ पर मीर अफजल है दोस्तों, ये दोनों प्लेयर। तो दोस्तों यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे तो यहाँ पर आपके सामने बनाया आर खान, और यहाँ पर एफ मोहम्मद के साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहीं पर आपके सामने मैंने लाइव टीम बनाया दोस्तों। नेक्स्ट जो होगा दोस्तों यहाँ पर, ये तो मेरा फाइनल टीम होने वाला है, लेकिन अगर इसमें एक भी प्लेयर मिस होते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं बोलूंगा दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो फाइनल टीम होता है दोस्तों इसी प्रकार आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो मस्ट एंड सीड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों, तो जल्दी से फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर आपको फाइनल टीम मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नेक्स्ट और मैचेस बाकी है दोस्तों। आज यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत सारे लीग आज स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर यूरोपियन क्रिकेट टी10 का जो नेक्स्ट मैच है दोस्तों, वीगोसी वर्सेज है माल्टा
सुपर किंग्स के बीच में, फिर यहाँ पर एलजेड वर्सेस सीएजी के बीच में, ऑस्टन एक्सेलसियर एमएसके के बीच में, ये तीनों के मैच के साथ साथ यहाँ पर ड्रीम इलेवन ट्रिनिडैड के दोनों मैचेस आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी भी 5 मैच बाकी है, तो 5 मैचेस का आपको वीडियो भी मिलेगा, फाइनल टीवी मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको ना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली मैं 6 से 7 वीडियो कवर करता हूँ, इसके साथ साथ टेलीग्राम पर डेली 10 मैचेस लगभग मैं कवर करता हूँ। तो जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना, फाइनल टीम सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।